बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गोर खोखर लावित स्टार अली गोर चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं कानून शहादत ऑर्डर 1984 सब्जेक्ट के साथ। हमारा टॉपिक तो ला गए टिल एलबी मतलब ला ही है। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूएसओ 1984 1984। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, ए कम्प्लेस विटनेस, सेक्शन 16 ए कम्प्लेस विटनेस। सो हु इज ए कम्प्लेस विटनेस? अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो सिंपली ए कम्प्लेस विटनेस इज ए पर्सन who was the part of crime, या फिर को accused, सिंपली और सिंपल करें को accused, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में क्या बोलते हैं, शरीके जुर्म। ठीक है, एक कम्प्लेस विटनेस क्या है, आर्टिकल 18 कानून शहादत ऑर्डर, आर्टिकल 16 कानून शहादत ऑर्डर 1984, आर्टिकल 16 एक कम्प्लेस विटनेस। ठीक है, एक कम्प्लेस विटनेस कौन होता है, अगर हम सिंपल से बात करें, पर्सन हु वाज द पार्ट ऑफ द क्राइम, एक ऐसा शख्स जो क्राइम का हिस्सा था, जो क्राइम में शरीक था, जिसको क्या हम को अक्यूज भी कह सकते हैं, शरीक जुर्म भी कहते हैं, एक कम्प्लेस शरीक जुर्म को अक्यूज, जो अक्यूज का साथी था। अभी पुलिस को कोई गवाह नहीं मिल रहा है, कोई प्रूफ नहीं बोल रहा है, तो जो को अक्यूज हो, अगर वो कहे उसको वादा माफ, जिसको हम गवाह बोलते हैं, वो जो है वादा माफ गवाह बनना चाहे, तो पुलिस उसको क्या बनाएगी, एक कम्प्लेस विटनेस बनाएगी। क्या बनाएगी, एक कम्प्लेस विटनेस बनाएगी कि अपने ही साथी के खिलाफ आप गवाही देंगे तो हम क्या करेंगे, आपकी सजा में जो है कमी लाएंगे, आपको जो है कोशिश करेंगे कम से कम सजा मिले, तो वो क्या कहलाएगा, एक कम्प्लेस विटनेस। एक कम्प्लेस विटनेस इज ए पर्सन इज, ठीक है, क्या है, पर्सन इज ए पर्सन हु वाज द पार्ट ऑफ द क्राइम, एक ऐसा शख्स जो क्राइम उस वक्त जुर्म का हिस्सा था, वो कौन है, एक कम्प्लेस विटनेस है, जिसको शरीक जुर्म कहते हैं, को अक्यूज भी कहते हैं, वादा माफ गवाह भी कहते हैं, एक कम्प्लेस विटनेस। ठीक है, वादा माफ गवाह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन क्या है, कॉम्पिटेंस एंड नंबर्स ऑफ द विटनेस। अगर हम बात करें आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर 1994, अगर आप कोई फाइनेंशियल क्या है डीड है, कोई फाइनेंशियल आप काम कर रहे हैं, या फ्यूचर फाइनेंशियल है, या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के ऊपर है, तो आप लोगों को गवाह कितनी जरूरत होगी डीड में, जिसको हम स्टैंप पेपर में कहते हैं, दो मैन, या ठीक है, या वन मैन एंड टू वुमेन्स। अभी ये जो सवाल है ना, बहुत ही अहम है, हर लागेट में है कि भाई फॉर फाइनेंशियल और फ्यूचर एब्लिगेशंस, फॉर फाइनेंशियल और फ्यूचर एब्लिगेशंस टू मैन और ठीक है या वन मैन, तो लोग क्या किसको सेलेक्ट करते हैं, इसको, टू मैन एंड वन मैन को। ठीक है, और को नहीं देखते, अगर एंड आ जाता है तो ठीक है, और आ जाता है तो दो दो अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, टू मैन, दो, अगर फ्यूचर या फाइनेंशियल कोई मतलब के तौर पर कोई आप लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोगों को दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी, वो भी मर्द की, अगर एक एक मर्द है तो वन मैन और टू वुमेन, दो औरतें वहां पर मौजूद है, मर्द एक है तो भी हो सकता है, अगर एक मर्द है एक औरत है नहीं हो सकता, दो मर्द का फिर होना लाजमी, अगर दो मर्द है तो औरतों की जरूरत नहीं है। तो सवाल कैसे आता है कि टू वुमेन्स और ठीक है, टू वुमेन्स और वन मैन, ठीक है, यहां पर क्या, वन मैन टू वुमेन, अगर यहां पर एंड है तो ठीक है। तो सवाल को थोड़ा उसको समझते हैं जो लागत में आता है कि फॉर फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, तो ऑप्शन में क्या होता है, वन मैन, ठीक है, वन मैन और टू वुमेन, ठीक है, ए ऑप्शन है। उसके बाद बी ऑप्शन क्या होता है, वन मैन एंड टू वुमेन। अब इसमें फर्क क्या है, फॉर फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, व्हाट नीडेड, वन मैन और टू वुमेन, वन मैन एंड टू वुमेन, तो इसमें करेक्ट कौन सा है, करेक्ट जो है ये है, नीचे वाला है, और का मतलब क्या है, और मतलब है या एक हो या फिर दो हो, तो करेक्ट कौन सा है, ये वन मैन एंड टू वुमेन।
फाइनेंशियल के लिए या फिर दो दो बंदे भी काफी हैं, या एक आदमी या दो औरतें, ठीक है। लैगेट में ज्यादातर इसी में लोग अटेम्प्ट इसको ऊपर वाले को करते हैं, ये करना अगर एंड आता है तो आप लोग ये करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बाकी जो तमाम आते हैं उनमें जो है एक बंदा एक बंदी, एक औरत एक मर्द जो है चल जाता है, बाकी जो है जना वगैरह है वो अकॉर्डिंग टू किसके हैं जी, हदूद के हैं। शुक्रिया। अगर आप लोग टिकटॉक या फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सो टुडे वी आर स्टडिंग क्या क्यूएसओ 1994, क्यूएसओ 1994 1984 हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेस विटनेस आर्टिकल 16, एक कम्प्लेस विटनेस हु इज ए कम्प्लेट विटनेस, एक कम्प्लेस विटनेस कौन होता है, वादा माफ जिसको हम गवाह कहते हैं, वादा माफ गवाह उर्दू में कहते हैं, वादा माफ गवाह पर्सन, ए पर्सन हु इज वादा ए कम्प्लेस विटनेस इज ए पर्सन हु, कौन सा शख्स, वो जो पार्ट था किस चीज का पार्ट था, क्राइम का, जो क्या क्राइम का पार्ट था, ए कम्प्लेस विटनेस इज ए पर्सन हु वाज द पार्ट ऑफ द क्राइम, क्राइम का पार्ट था, या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, को अक्यूज, जो अक्यूज का जो साथी था दोस्त था उसके जुर्म में साथ था, या जिसको उर्दू में हम श्री के जुर्म कहते हैं, तो एक कम्प्लेस पर्सन इज ए विटनेस हु वाज अ पार्ट ऑफ द क्राइम। उसके बाद हमारे पास है क्या है, आर्टिकल 17 कानून 1994, कॉम्पिटेंस विटनेस, कॉम्पिटेंस विटनेस कौन होता है, कॉम्पिटेंस आर नंबर्स ऑफ द विटनेस, ठीक है। कॉम्पिटेंस आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंस एंड नंबर्स ऑफ द विटनेस हमारे पास है। फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल आप लोगों के पास डीड है या फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं तो आप लोगों के पास मिनिमम कितने, दो बंदे होना चाहिए, दो मर्द होने चाहिए, दो मर्द हजरात होना, अगर दो मर्द हजरात नहीं है तो एक मर्द और दो औरत चल सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। अगर बाकी जो फर्दर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, एक मेन एक मर्द एक औरत चल सकती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।